नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। 2 तारीख को अमावस्या और उसके बाद गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो गुप्त नवरात्र एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जब साधक कुछ अच्छे साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं बहुत कम दिनों में। आज मैं आप लोगों को मसानी काली की साधना दूंगा। ये एक 2 लाइन का मंत्र है, इसको जब आप लोग सिद्ध कर लोगे, एक तो आपकी रक्षा हर तरह के पारालौकिक शक्तियों से ये करेगा, इसके अलावा अगर कोई आप पर काला जादू करता है तो उसका ये असर नहीं होने देगा। किसी घर में अगर काला जादू का असर है या फिर कहीं पे भूत प्रेत का निवास है तो ये उसका भी निवारण करता है। इसका अगर आप हवन कर लोगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। देखो, कायदे से ये हवन और इसका जो भी पूजा विधि है, जो भी साधना विधि है, वो श्मशान में करते हैं। श्मशान ना होने पर किसी खाली स्थान, किसी पेड़ के नीचे आप करिएगा। घर में इस मंत्र का जाप नहीं करिएगा। इसमें ज़रूरत क्या क्या होगी आपको, एक सरसों के तेल का दिया, 3 अगरबत्ती, ये रोज़ लगेगा आपको। माँ के लिए कुछ भोग, दही बड़ा सबसे बढ़िया भोग होता है। अंतिम दिन आपको एक बलि देनी होगी मुर्गे की। शराब की 3 धार आपको रोज़ देनी है और अंत में आपको रोज़ हवन करना है, ठीक है। तो हवन में वही तिल, काला तिल, लौंग और गूगल का मिश्रण का प्रयोग करेंगे हम लोग। और जब हम हवन कर लेंगे तो उसके बाद 3 बार धार देंगे उसमें। मंत्र क्या है, मंत्र है काली मार र माली, कालीन मोक्ष मोलनी ममो देत तदे मोमा रक्ष तव तत्वचर। फिर से सुनिए, काली मार र माली, कालीन मोक्ष मोलनी ममो देत तदे मोमा रक्ष तत्व तत्वचर, ठीक है। इस मंत्र से आपको जो नवरात्र के 9 दिन हैं उसमें हर रात 9 माला करना है। कितने माला, 9 माला। 9 माला करके आप 1 माले का हवन करेंगे रोज। ऐसा आप जब 9 दिन करेंगे तो 9वें दिन इस पूरे प्रक्रिया को करने के बाद आपको फिर पूर्ण रूप से दशांश हवन करना है। दशांश हवन करने के बाद आपको एक बलि देनी है और बलि देने के बाद फिर से शराब की धार देनी है। कुछ विशेष में जान लें जो कि जनरल है, फिर भी बता रहा हूँ। दिशा दक्षिण के तरफ होगी। मसान में बैठ रहे हैं तो आसन का प्रयोग नहीं होगा। मसान में जा रहे हैं करने तो ताली बजा के, चुटकी बजा करके इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत अगर डर है तो गुरु मंत्र से घेरा कर लीजिएगा। जब ये मंत्र करिएगा तो आपको हुंकार की आवाज़ आ सकती है, जैसे कोई हुंकार करके आपको भगाने की कोशिश कर रहा है, या आपको चीज़ें दिखेंगी, आपके आसपास से लोग आते जाते दिखेंगे, 8 फीट के, 9 फीट के, कुछ भी दिखे, डरने की बात नहीं है, ठीक है। वो बस आपको ये समझाने की कोशिश होती है कि देखो यहाँ पे एक और दुनिया चल रही है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। तो आप पूर्ण रूप से सम्मान करिएगा। माला इसमें रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला जो इसमें प्रयोग करिएगा उसको मसान से वापस मत लाइएगा, वहीं स्थान दीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं ये काम तो आप सिर्फ और सिर्फ कर माला का प्रयोग कीजिएगा। कर मतलब उंगली पर गिनती करिएगा, कोई माला लेके नहीं जाइएगा। अगर इसके बाद भी आपको इच्छा होती है 9 माला के बाद की और माला करें तो नहीं करना है। इस मंत्र का स्ट्रिक्ट रूल है कि जितनी इसकी गिनती दी गई है उतनी ही गणना में इसका जाप होना चाहिए। उतना जाप करने के बाद आपको इसका हवन करना है 1 माले का। एक विषय और याद रखिएगा, काली यंत्र ना बनाते हुए जब भी इसकी आप साधना करेंगे तो सामने जो मैंने चावल से एक यंत्र बनाना सिखाया है कि गोलाकार में चावल बिछा करके उसके ऊपर त्रिशूल सिंदूर से बनाएंगे, उस त्रिशूल के बीचों बीच नीचे की तरफ चावल के बाहर दीपक रखेंगे, एक तरफ भोग और एक तरफ आप अगरबत्ती रखेंगे। जैसे साधना ख़त्म होगी तुरंत साधना के बाद आप इसको धो देंगे। किसी भी दिन आपके साधना का अवशेष नहीं बचना चाहिए, किसी को नहीं पता चले। इस तरीके से उसको धो देना होता है कि किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पर कभी साधना हुई है।
ठीक है। अभी नवरात्र आ रही है, दो तीन और मज़ेदार साधनाएं दूंगा। एक ग्रुप भी बना रहा हूं मैं साधनाओं के लिए, जो मंझे हुए साधक हैं वो उस ग्रुप के लिए संपर्क करें, और वो फ्री नहीं होगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक एक बार कुछ साधनाएं आप लोगों को दी थी, किसी ने भोग नहीं दिया ऐसा मुझे आभास है। तो वो तो हो गई दूसरी बात, जो मंझे हुए साधक हैं उनको अगर कुछ विशेष करना है तो वो मुझसे संपर्क करेंगे, तो मैं नवरात्र में अलग से उनको करवाऊंगा। ऐसे आम जनमानस के लिए मैं और भी साधनाएं आपको अभी नवरात्र तक देता रहूंगा, दो तीन साधनाएं और दूंगा ऐसे ऐसे कि आप लोगों को भी लगे कि इस बार कुछ शक्ति साधना हम लोगों ने की है, ठीक है। इसके अलावा दो तीन जानकारियां, फिर से साधना शिविर शिवपुरी में होने जा रहा है अगले महीने। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वेबसाइट पे जाए, इवेंट्स में लॉग इन कर सकता है। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है, तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.अघोरतंत्रहस्य.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।